नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जियो ब्राउज़र के बारे में। दोस्तों तो दोस्तों आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते हैं आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जियो ने लॉन्च किया है अपना जियो ब्राउज़र दोस्तों, तो उसके कुछ सेटिंग्स, इंपॉर्टेंट सेटिंग्स मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। उसके लिए आपको जियो ब्राउज़र प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपको प्ले स्टोर में डालना पड़ेगा जियो ब्राउज़र। जियो ब्राउज़र डालने के बाद यहाँ पे नीचे आएगा दोस्तों, फर्स्ट पर नहीं आएगा, यहाँ पे नीचे आएगा। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। जियो ब्राउज़र मैंने इंस्टॉल किया तो मैं आपको ओपन करके सेटिंग करके बताता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कर देना है, आप स्किप भी कर सकते हो और ऐसा आप स्किप भी कर सकते हो और आप रोटेट भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्ट करने के बाद दोस्तों अभी यहाँ पे हम होम पेज पे, यहाँ पे आपको कुछ न्यूज़ दिखाई जाएगी दोस्तों। होम पेज पे यहाँ पे कुछ न्यूज़ दिखाई जाएगी और यहाँ पे भी आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स मिल जाएगी और यहाँ पे इंटरटेनमेंट्स के वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पे आपको पॉलिटिक्स के वीडियो और न्यूज़ मिल जाएगी दोस्तों। यहाँ पे आपको स्पोर्ट भी मिल जाएगा, यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे आपको वीडियो ब्राउज़र यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वीडियो ही है, आप यहाँ से वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों इसके सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि दोस्तों यहाँ पे आपको जियो ऐप पर भी आप लॉगिन कर सकते हैं, बुक माई शो पर भी आप लॉगिन कर सकते हैं, अमेजोन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, क्योरा, HDFC बैंक, लिंक्डइन, जो मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट्स है और ऐप है वह इस पर इससे आप लॉगिन कर सकते हो। जियो ब्राउज़र की जो दोस्तों साइज़ है वो है 3 से 4 MB और आपके फ़ोन में वो इतने ऐप दे रहा है। लगभग 30 ऐप हो गए, 30 एप्लीकेशन आपके फ़ोन में आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, आप जियो ब्राउज़र से उनको एक्सेस कर सकते हो दोस्तों। ये बहुत बड़ी खासियत है जियो ब्राउज़र की, इसके लिए आपको इंस्टॉल करना ही होगा जियो ब्राउज़र। बहुत फ़ायदा है इसका दोस्तों। यहाँ पे आपको इतने एप्लीकेशन अपने फ़ोन में इंस्टॉल करने का काम नहीं है। OLX है, ICICI बैंक है दोस्तों, जस्ट डायल है। और दोस्तों अब इसके सेटिंग्स जान लेते हैं। यहाँ पे आपको 3 डॉट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों इसकी जनरल सेटिंग इनेबल जावास्क्रिप्ट पर वर्क करता है और डिस्प्ले सेटिंग आपको टेक्स्ट साइज दोस्तों, अगर आपके आँखें कमज़ोर होगी तो आप ऐसे टेक्स्ट साइज बढ़ा सकते हैं, देखिए दोस्तों। और दोस्तों सेकंड वाली बात है दोस्तों कि इसमें लैंग्वेज भी सपोर्ट है, आप अपने लैंग्वेज में आप इससे चला सकते हो। हिंदी, गुजराती, मराठी, इंग्लिश, तमिलनाडु, बहुत सारे लैंग्वेज इसमें सपोर्ट है दोस्तों। और दोस्तों इसका वर्जन है 1.3.4 का वर्जन है दोस्तों इसका। और दोस्तों इससे आप फ्लिपकार्ट भी चला सकते हो और यहाँ से आप टाइप कर सकते हो, इससे सर्च कर सकते हो। ये होम पेज है दोस्तों, यहाँ से आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगी। तो दोस्तों कैसी लगे वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और जियो ब्राउज़र से और कोई प्रॉब्लम तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।